ये वाला जो रूट है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं प्लांट जा रहा हूँ, क्योंकि अपने सेक्टर 4 में जो प्लांट है, लेकिन यहीं कहीं से राइड लेना है। आप अपनी बाइक को आसानी से लेकर ऊपर आ सकते हैं। भाई साहब चले पड़े हैं। भाई जाते किस साइड से, मंदिर किस साइड से जाते? माता रानी गुस्सा होकर वृक्ष के नीचे आकर बैठी थी। माता रानी, हम लोग काफी हाइट में हैं, हम लोग 2000 या 3000 फीट के ऊपर में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स रोल पे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रेडी हो चुका हूँ, देन अभी मैं हूँ ओरबा पे। ये मेरा होटल 350 रुपए में मैंने लिया हुआ है। मैं पिछले ब्लॉग में नहीं दिखला पाया था, ज्यादा कुछ दिखलाने को है भी नहीं। यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ मड़वा रानी की, कोरबा में ही स्थित है और बहुत ज्यादा फेमस है। टेम्पल है जो पहाड़ों में स्थित है और बहुत खूबसूरत वहाँ पे व्यू दिखता है। तो इसी बहाने आज सुबह सुबह माता रानी का अपन दर्शन करते हैं। तो यहाँ से लगभग 22 से 23 किलोमीटर मैप पे दिखला रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट करते हुए अपन चले। हमारी बाइक की हालत देख रहे हैं आप, पूरा धूल मिट्टी डस्ट डस्ट हो गया भाई साहब। चेन में स्प्रे करना पड़ेगा, नहीं तो भाई चेन की हालत खराब हो जाएगी। चेन को अगर बचाना है तो यही सब करना पड़ेगा अपने को। अभी 1844 किलोमीटर चल चुकी है, बताओ। जय श्री राम। कबूतर, आज तो हम सुबह सुबह ही निकल गए। यहाँ पे उतनी ठंड नहीं है। ये वाली रोड लेके जाएगी, ये बस स्टैंड पुरानी वाली, यहीं से हम लोग जा रहे हैं गौरी शंकर मंदिर। चाय पीने की तलब मची हुई है, कोई अच्छा सा दुकान देख के अपन चाय पियेंगे। और यहाँ से 22 किलोमीटर है, मैं वही शो कर रहा है, देखते हैं सुबेरे सुबेरे माता रानी का दर्शन करने मिल जाए। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। इडली डोसा लगाए हैं दादाजी, आते समय ब्रेकफास्ट करेंगे। सामने में है सूरज देवता। सुबेरे सुबेरे का माहौल देखिए भाई, कोरबा सिटी का। दादा के पास चाय पियेंगे, चाय चाय भाई। सुबह सुबह चाय पीने का अपना अलग ही एक मजा है भाई। 5 रुपए में क्या ही दूध दूध का चाय बना के दिए थे भैया जी, मजा आ गया। आते समय फिर पीऊंगे। हाँ, ये वाला जो रूट है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं प्लांट जा रहा हूँ, क्योंकि अपने सेक्टर 4 में जो प्लांट है, इसका नाम है JP सीमेंट फैक्ट्री, वही वाली रूट लग रही है मुझे। ये एकदम चौड़ी सी और राइट साइड में पेड़ पौधे, क्या ही ठंड महसूस हो रहा है इस साइड में। मॉर्निंग के समय ना 7:35 हो रहे हैं। कहीं कहीं पे रोड ख़राब है। और ये देखिए सुबेरे से मछुआरे लोग, नहीं यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो नहाना धोना कर रहे हैं। पीछे में ट्रक आ रही है या बस आ रही है पता नहीं, धुल्ला उड़ाते हुए। लेकिन अभी तक मैं कहीं मुड़ा नहीं हूँ। यहाँ का नेशनल हाईवे ऐसा मैप बता रही है, इसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ पर मोड़ आता है तो मैं आप लोगों को बतला दूँगा। रिंग रोड बालको चांपा, यानी कि बालको के लिए इधर है और चांपा के लिए ये सीधा है। गूगल मैप तो कुछ बता नहीं रही है, सीधा ही चलना होगा लगता है। तो बिलासपुर यहाँ से राइट साइड में है। अब इधर से किधर जाना है गूगल माता जी? हाटी करके लिखा हुआ है। रायगढ़ वाली रोड लेके जाती है 114 किलोमीटर। फिलहाल अपने को सीधा ही चलना है। यहाँ भी चाय नाश्ता इजीली मिल जाएंगे अपने को। बस का वेट करते हुए बच्चे लोग स्कूल जाते हुए, पता नहीं कौन सा लोकेशन है, कहीं नाम देख नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन यहीं कहीं से राइड लेना है ऐसा करके गूगल माता बता रही है। अच्छा ये तो है, तो यहाँ पे लिखा है प्रवेश द्वार मड़वा रानी। ये देखिए दुकानें हैं यहाँ के, चलो अंदर चला जाए। ये लेके जाती है मड़वा रानी। ट्रैक्टर वाले भाई साहब, किधर से जाना है भाई? मड़वा रानी सीधे ही लग रहे हैं। भाई ये मड़वा रानी ये वाली ना? जी धन्यवाद। अरे पहाड़ चढ़ाई करना है, क्या बात है, ये तो एडवेंचर होगी अपना पहाड़ चढ़ाई करना। इतना ध्यान नहीं था कि मेरे को पहाड़ चढ़ाई करना पड़ेगा। चलो ऊपर से व्यू देखने को मिलेगा।
यहाँ के बारे में काफ़ी मैंने सुना हुआ था, इस वजह से ये पहला वीडियो रहेगा हमारा आज का। और भी जगह हमें जाने हैं तो फटाफट कवर करेंगे कोरबा शहर का। और ये पहाड़ में हम चढ़ाई कर रहे हैं और हमारी जो 220F है भाई, काफ़ी स्मूथ बाइक है और मक्खन चल रही है। अच्छी बात क्या लगी पता है, कि यहाँ पे सीढ़ी चढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आप अपनी बाइक को आसानी से लेकर ऊपर आ सकते हैं। भाई साहब चले पड़े हैं। माता रानी कब दिखाई देगी हमें। ये गिलहरी, सुबह सुबह का समय है ना, चारों तरफ घनघोर जंगलों से घिरा हुआ है तो जानवर तो नज़र आएंगे ही अपने को। बना भी अच्छा है, आसानी से अपनी बाइक आ सकती है, नीचे उतर सकती है। साहब चले पड़े हैं, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, नहीं कितना अंदर है, जंगलों से पूरा ये घिरा हुआ है। अभी मैं पहाड़ में अपने बाइक चला रहा हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। जब मैं कहीं रुक कर आपको व्यू दिखलाऊंगा ना, तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा यहाँ की हिस्ट्री क्या है। वो पंडित जी होंगे तो उनसे बातचीत करेंगे यहाँ के बारे में। जय गौ माता, धूप सेक रही है गाय। तो फाइनली गाइस मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम आ गए हैं मड़वा रानी। प्रवेश द्वार किधर है भाई इसका? भाई जाते किस साइड से, मंदिर किस साइड से जाते हैं? आगे है क्या? अच्छा आगे है मंदिर, मैं सोचा यहीं आसपास में होगा। अरे भाई साहब काफी हाइट में है भाई, एक कोहरा देख रहे, धुंधला धुंधला सा पूरा, बादल के ऊपर में है हम लोग। मजा आ गया भाई यहाँ। सब नारियल बेचने के लिए दुकान लगाए, कुछ दुकानें अभी तक खुले नहीं हैं। हमारी गाड़ी कहाँ तक जा सकती है वहाँ तक लेके जाएंगे, उसके बाद यहाँ का व्यू दिखलाएंगे। यही लगता है मड़वा रानी। मेरे पीछे साइड में आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत से यह मंदिर बना हुआ है मड़वा रानी का। तो चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं और यहाँ का व्यू दिखलाते हैं। हम लोग अभी काफी हाइट में पहाड़ के, इतने सारे लोग हैं। आप लोग यहीं रहते हैं दादाजी? यहीं रहते हैं आप लोग? अच्छा, तो ये देखिए मंदिर, कितना प्यारा सा मंदिर है। और अभी हम लोग काफी हाइट में हैं, आप लोगों को एक नज़ारा यहाँ से दिखला देता हूँ मैं। ये देखिए पूरा धुंध धुंध नजर आ रहे हैं और ये पूरा पहाड़ के ऊपर में है। गाइस तो अभी हम पंडित जी से रिक्वेस्ट किए हैं कि यहाँ के बारे में थोड़ा बतलाएंगे कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है, ताकि आप लोगों को भी पता चल पाए। कई लोग आते हैं दर्शन करते हैं लेकिन यहाँ के बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो ये मुख्य मंदिर है माता रानी जी का, यहाँ पे जो जल रहे हैं ये देखिए, ये है माता रानी। आप भी घर बैठे दर्शन करिए। पंडित जी यहाँ के बारे में थोड़ा बतलाइए। मड़वा रानी बोलते हैं, इसका आधा शादी हुआ है, मतलब रात भर शादी होना रही, रात भर में ठकराना है, मतलब शादी नहीं हुआ है इसका। वहाँ से जैसे मड़वा छाते हैं, वहाँ एक गुस्सा होके उठ के चले आया, वृक्ष रेस उसके नीचे बैठ गया, आसपास के गांव के लकड़ी आया घूमे आया तो उसको चला पला, एक महिला वहाँ बैठा है, इसके जानकारी हो गई वृक्ष के हम बैठे है, कुछ दो धामी हुई। अच्छा, तो माता रानी गुस्सा होकर वृक्ष इसके नीचे आकर बैठी थी माता रानी? अच्छा, उसने बताते हैं जो खोज है वो साधु संत किए होंगे, यहाँ की खोज हाँ। कामना भी पूरी होती होगी। हाँ, मनोकाम पूरा हो जाता है सर जी। तो गाइस आपको हल्का फुल्का मैं आप लोगों को यहाँ की हिस्ट्री बताया हूँ। ये वृक्ष है हाँ। यहीं पे माता रानी आके गुस्सा होके बैठी थी, तब से यहीं पे विराजमान है और यहाँ पे इतने सारे ज्योत जल रहे हैं और इसी नाम से मड़वा रानी फेमस हुआ है। तो आइए दर्शन करिए आप भी, और भी मंदिर हैं उनका भी मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। नारियल बांधे हुए सब अपनी अपनी मन्नत मांगते हैं, तो यहाँ पे नारियल भी बांधते हैं ना पंडित जी? हाँ, बांधते हैं सब मंदिर के लिए जी। और यहाँ पर भी है माता रानी, इनका भी आप दर्शन करिए। जय माता दी। तो गाइस सभी और भी मंदिर है दिखलाते हैं आप लोगों को, उसके बाद फिर यहाँ का व्यू दिखलाएंगे आपको। तो
यहाँ पर है दुर्गा माता जी, घर बैठे दर्शन करिए। और मैं तो बोलूँगा कोरबा शहर से लगभग ये 22 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, बाई रोड में आप लोगों को बतलाते हुए आया हूँ, तो आइए विजिट करिए, बहुत खूबसूरत ये मंदिर है। ऊपर में ज्योति कक्ष है, तो यहाँ पे नवरात्र के समय में ज्योत जलाया जाता है और उस समय काफ़ी भीड़ रहता है। और यहाँ भी माता रानी विराजमान है, दर्शन करिए घर बैठे माता रानी जी का। जय माता दी। एक मंदिर यहाँ है, देखो बाबा जी ज्योत जला रहे हैं। ये कौन सा माता रानी है? अच्छा मड़वा रानी, अच्छा माँ दुर्गा जी। घर दर्शन करिए आप। मैं भिलाई से हूँ बाबा। हाँ भिलाई। तो गाइस यहाँ भी एक ज्योत कक्ष है, ये देखिए। मंदिर के जस्ट यहाँ पर देखिए, पूरे तरह आपको धुंध ही धुंध नज़र आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी हाइट में हैं। हम लोग 2000 या 3000 फीट के ऊपर में हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। पता नहीं कितने हैं एक्चुअल में, मुझे भी नहीं पता है। तो हमारा यहाँ आना सफल हो गया, ये नज़ारे देख रहे हैं, माता रानी के दर्शन भी हो गए हैं, हमने अपनी मनोकामना भी मांग लिए हैं। और इतना खूबसूरत ये नज़ारा है भाई, चारों तरफ खुला खुला वातावरण, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम काफ़ी हाइट में हैं, जो हम खुद यहाँ खड़े होके निहार सकते हैं इस नज़ारे को। जिस पहाड़ को मैं आते समय देख रहा था, वो पहाड़ के ऊपर में हूँ मैं, देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे पहाड़ हैं जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। देन वहाँ पे तो पूरा मैदान है, वहाँ भी बहुत सारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं मुझे, जो अभी आप लोगों को थोड़ा देर पहले दिखला रहा था। और पीछे साइड में है मंदिर, जो मैं आप लोगों को दर्शन करा चुका हूँ। अब आगे और देखते हैं, और कुछ बचा तो नहीं रह गया है। तो मैं मंदिर से थोड़ा नीचे उतर चुका हूँ और यहाँ से पूरा व्यू दिखला रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए भाई साहब, क्या ही व्यू है भाई, एकदम गजब का। और देखिए यहाँ पे स्थानीय लोग दुकान भी लगाते हैं, बड़े बड़े चट्टाने हैं। और ये जो नज़ारे हैं भाई, दिल खुश कर दे इस नज़ारे ने। और मंदिर उस साइड में है गाइस। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग।